करनाल के इंद्रिकीय अनाज मंडी गेट के सामने डीजल के खाली कैंटर को वेल्डिंग करते समय कैंटर की छत फटने से हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। मिली जानकारी के अनुसार कैंटर चालक सन्नी अपने डीजल से भरे कैंटर को एक पेट्रोल पंप पर खाली करने के बाद एक वेल्डिंग मैकेनिक की दुकान पर रुककर कैंटर में वेल्डिंग करवाने लग गया। वेल्डिंग करते समय कैंटर के अंदर गैस बनने के कारण कैंटर की छत फट गई, जिसके कारण चालक सन्नी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को तुरंत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहीं वेल्डिंग कर रहे मिस्त्री को भी मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर तुरंत कैंटर में बनी गैस पर काबू पाया। इस मामले में जांच अधिकारी गुरजीत सिंह का कहना है कि चालक और मिस्त्री दोनों की हालत ठीक है। मामले की जांच की जा रही है। एक टैंकर था HF 45 जो राजू मेहता उनका पेट्रोल पंप से यहाँ वेल्डिंग कराने के लिए आए थे। जो अचानक कहीं वेल्डिंग कराते समय हल्का सा गैस बनकी होगी और जिससे ये हादसा हुआ है। ड्राइवर को इसमें थोड़ा चोट लगी है, जिसको एडमिट अभी CSC इंद्री में एडमिट है, जिसका इलाज चल रहा है। अभी जांच चल रही है, जो कार्रवाई होगी देखने के लिए। ड्राइवर था गाड़ी वाला जी, वेल्डिंग कर रहा था मिस्त्री जी, ऊपर बैठे वेल्डिंग कर रहे थे। अचानक एक धमाका हुआ इसमें वेल्डिंग करते करते, और ड्राइवर को और उससे इतना तेज धमाका हुआ कि जैसे बम फटने को, उसके बाद ड्राइवर और वो वेल्डिंग वाला इधर उधर फेंक दिए जी, और उनको गिरने से काफ़ी चोटें आई हुई है, जिनको हॉस्पिटल में ले गए। पड़ोस में बहुत काफ़ी धमाका हुआ, एकदम से मैं बाहर निकल के आया तो मैंने देखा कि ऊपर से ड्राइवर को बिजली का या किसी उसका काफ़ी जला हुआ था। मैंने उसको चद्दर में लटकवा के और गाड़ी में हॉस्पिटल भेज दिया। पता चला कोई वेल्डिंग कर रहा था टैंकर की, ऊपर से वेल्डिंग करते हुए अंदर पेट्रोल या डीजल का था ये, अंदर इसमें ये स्टीम बनी और जिससे भारी बहुत हैवी उससे धमाका हुआ टैंकर की बैक साइड और दो तरफ से टैंकर ये थोड़ा थोड़ा फट गया। तो नुकसान हुआ, जो ड्राइवर था उसको भी काफ़ी चोट लगी, काफ़ी 80% वो लगभग जला हुआ था। मैं तो एकदम गाड़ी लेने गया और वो किसी दूसरी एम्बुलेंस वगैरह में लेके हॉस्पिटल चले गए। तो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।